आज हम श्री गणेश करेंगे कक्षा 8वीं। गणित से तो प्रश्नावली 2.1 समीकरणों को हल करना है। इसमें तो पहला समीकरण है x-2=7। तो सबसे पहले प्रथम चरण में दो है जो वो उसका पक्षण तय करेंगे। दो अचर राशि है, एक चर राशि है। चर राशि को छोड़ के दो का पक्षण तय करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर दो का पक्षण तय करने पर दो का पक्षण तय कहेंगे तो जो यदि दो दांस बाएं साइड में माइनस में है तो दांस साइड में जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो x=7 और दो जो ने यहाँ पर माइनस में थे वो इस साइड आएंगे तो वो प्लस में हो जाएंगे। यदि वो यहाँ पर गुणा में होते तो इस साइड आते तो भाग में हो जाते। यदि वो यहाँ इस साइड भाग में होते तो इस साइड गुणा में हो जाते। तो x=7/2 क्योंकि प्लस है बीच में तो चढ़ जाएंगे 7/2 9 हो जाएंगे। यही इसका आंसर। इस प्रकार से समीकरणों को अपन हल कर सकते हैं। जैसे इसमें अभी चौथा सवाल है, ये है 3y7 + x=17/7 तो चूंकि x जहाँ का तहाँ रहेगा पहले यहाँ पर लिख देंगे अपन कि 3/7 का पक्षांतर करने पर तो x जहाँ का तहाँ रहेगा बराबर जहाँ का तहाँ रहेगा 17/7 जहाँ के तहाँ है जो 3/7 - प्लस में है तो इस साइड आएंगे तो वो 3/7 - में हो जाएंगे। x=7/7 है जो हर की संख्या है जो समान है इसलिए लघुत्तम 7 ही आ जाएगा इसका। और जब 7 का भाग 7 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 17 में तो 17 × 1=17। और 7 का भाग 7 में दिया तो 1 बार गया, 1 का गुणा किया 3 में 3 × 3 - जहाँ का था। तो x=17 - 3 जाएंगे तो बचेंगे 14/7। x=7 का भाग देंगे 14 में। इस प्रकार से भी दे सकते हैं 7 × 2=14 और नहीं चाहे तो 7 × 7 = 14 तो उत्तर आ जाएगा x=2। इस प्रकार से अपन को आज का वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे, सवाल अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना।